बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा ने अपने डांस से लोगों को खूब एंटरटेन किया है। शायद ही बॉलीवुड में कोई दूसरा एक्टर होगा जो गोविंदा की तरह हाव भाव और अलग अलग अंदाज में एक्टिंग कर सके। 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी। देखा जाए तो गोविंदा ने 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया है और लगभग 165 फिल्मों में काम किया है, लेकिन आजकल गोविंदा कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। दरअसल साल 2008 के बाद से ही वो फिल्मों में कम नजर आए हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में एक ऐसा मामला हुआ था जिसकी वजह से गोविंदा ने काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को नुकसान पहुंचाया था। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था। दरअसल 2008 में उन्होंने एक शख्स को सरेआम थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद गोविंदा को फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार रहे हैं जो अपने समय में काफ़ी सफल हुए, जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनके साथ उनका एटीट्यूड भी था। उन्हीं में कई स्टार रहे जिनके पास आज ना कोई प्रोजेक्ट है ना ही कोई फिल्म। बॉलीवुड अभिनेता यानी कि गोविंदा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस को लेकर काफ़ी मशहूर रहे हैं। अभिनेता गोविंदा के डांस और एक्टिंग के लोग इस कदर दीवाने थे कि उनकी फिल्मों को एक से कई बार देखा करते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय है कि वो बहुत कम मौकों पर स्क्रीन पर नजर आते हैं। साल 2008 में उन्होंने संतोष राय नाम के एक शख्स को अपनी ही फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद संतोष राय ने उनके खिलाफ कोर्ट में भी मामला दर्ज किया था। ये मामला सालों तक चला। इसके बाद संतोष राय को कोर्ट ने ये सलाह भी दी कि वो इस केस को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं और इस केस को यहीं पर खत्म कर दें, लेकिन संतोष राय चाहते थे कि गोविंदा की तरफ से उन्हें मुआवजा भी मिले और गोविंदा उनसे माफी भी मांगे। हालांकि कुछ सालों के बाद गोविंदा ने अपनी गलती को मानते हुए उनसे माफ़ी मांगी। इसी के साथ गोविंदा ने अपनी सफाई में कहा कि संतोष राय उस वक्त उनकी फिल्म के सेट पर मौजूद थे और वो वहाँ महिला डांसर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने संतोष राय को थप्पड़ मारा था। वह उस वक्त गोविंदा फिल्मिस्तान में अपनी मूवी मनी है तो हनी है की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने संतोष राय नाम के एक शख्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। संतोष राय ने कहा कि वो एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे, तब एक फिल्म के सेट पर गोविंदा ने उन्हें थप्पड़ मारा था। संतोष ने यह भी कहा कि उस घटना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मामला काफ़ी सालों तक चला। संतोष ने इस पर लगभग 4 से 5 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे और जब इस मामले को ख़त्म करने के लिए कहा गया तो संतोष ने कहा है कि वो इस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, अब वो हार नहीं मानेंगे। गोविंदा को कई बार लीगल नोटिस भेजा गया और इसके बाद कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि वो एक जाने माने और बड़े हीरो हैं, तो अब वो अपना दिल भी बड़ा करे और संतोष राय से माफ़ी मांगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि गोविंदा जो कि फिल्मों में करते हैं वो एक्शन सीन्स वो असल जिंदगी में नहीं कर सकते। इसके साथ गोविंदा ने संतोष राय से माफी भी मांगी और साथ ही साथ उन्हें मुआवजे के तौर पर लाखों रुपए भी दिए थे। कोर्ट ने गोविंदा से कहा था कि वो भी गोविंदा की फिल्मों को एंजॉय करते हैं, लेकिन गोविंदा सरेआम किसी को थप्पड़ मारे ये कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है और एक बड़े हीरो होने के नाते उन्हें अपना बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आम आदमी को थप्पड़ मारना किसी भी बड़े एक्टर को शोभा नहीं देता। वह सुप्रीम कोर्ट इस घटना का वीडियो भी देख चुका है। इसके बाद ही उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को माफ़ी मांगने का सुझाव दिया था। वेल दोस्तों, अब गोविंदा कम फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन आज भी उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। वेल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरीके से गोविंदा का सरेआम संतोष राय को थप्पड़ मारना सही था या गलत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।